तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के उस दुश्मन की जो हमेशा नई साजिश रचने की ताक में रहता है, जिसके सैनिक एलएसी पर भारत के जाबाज जवानों के हाथों पिट चुके हैं, जो कूटनीतिक स्तर पर भारत से कई बार मात खा चुका है, लेकिन तमाम एक्शन और स्ट्राइक के बावजूद वो दुश्मन है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बिना दिमाग पर जोर लगाए आप समझ गए होंगे कि उस दुश्मन का नाम है चीन। आज हम सत्ता में चीन की डी साजिश को डिकोड करेंगे, जिसका रिमोट साजिश रचने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के पास है। चीन वाटर वॉर की तैयारी कर रहा है, एलएसी के पास चीन डैम बना रहा है। यह डैम मैडोग एलएसी बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। मैडोग एलएसी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब है। यारलुंग तस्पांगो नदी पर यह 60,000 मेगावाट की क्षमता का डैम बन रहा है। 60,000 मेगावाट की क्षमता वाले डैम से युद्ध की तैयारी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। की जा रही है, सोचिए, पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महाघातक महामारी की आग में झोंकने वाला चीन आज खुद उसी महामारी की तपिश में तड़प रहा है, लेकिन किसी भी मोर्चे पर प्रपंच रचने से बाज नहीं आ रहा है। जल, जमीन और आसमान तीनों मोर्चे पर भारत से मात खाने वाला चीन अब नेचुरल रिसोर्सेस को हथियार बनाकर नए तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है, ताकि दुनिया में उसकी और बदनामी हो। लिहाजा चीन के मंसूबों को समझिए। डैम वॉर में ना हथियार चलेंगे, ना बम का विस्फोट होगा, ना सैनिक आमने सामने कटीले तार वाले डंडे से लड़ेंगे, और चीन का मकसद भी पूरा हो जाएगा। जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, इसको कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं। भारत को सूखे या बाढ़ से नुकसान पहुंचाना चाहता है चीन। डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है चीन। अचानक पानी छोड़कर भारत में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है। ऐसा करके अरुणाचल प्रदेश, असम में सैलाब ला सकता है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की किल्लत भी हो सकती है। पर्यावरण रूप से भी ये चिंता का विषय हो सकता है। चीन मैडोग डैम का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में भी कर सकता है। हालांकि चीन ने कई मंचों से वाटर वॉर की आशंका को नकारा है, लेकिन झूठ बोलना, विश्वासघात करना, दुनिया के सामने कुछ बोलना और अंदर ही अंदर कुछ और प्लान करना चीन की नीति का हिस्सा रहा है। लिहाजा भारत सतर्क है, चीन की इस चालबाजी पर स्ट्राइक करने के लिए वो तैयार है। भारत और चीन की चालबाजी को पहले भी भारत भाप चुका है। अगर चीन डैम वाला युद्ध छेड़ता है तो भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की माकूल तैयारी कर ली है। भारत की ओर से भी युद्ध नहीं होगा, ना ही हथियारों का इस्तेमाल होगा, ना बम का विस्फोट होगा। चीन पर भारत की ओर से डैम स्ट्राइक की जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।